अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? ओके ग्रेट। कल हमने कॉन्फ्लिक्ट को कंक्लूड कर लिया था। टुडे विल स्टार्ट विद नेगोशिएशन। कॉन्फ्लिक्ट में जैसे हमने पांच क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इसी तरह नेगोशिएशन के अंदर भी टोटल फाइव क्वेश्चंस हैं और इन्हीं पांचों क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है। और यही पांचों क्वेश्चंस, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पेपर में आपको अपेयर होगा। पहला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन? प्रोसेस क्या होता है नेगोशिएशन का और किस तरह से नेगोशिएशन, जिस तरह हमने कल कॉन्फ्लिक्ट के पांच स्टेजेस पढ़ी थी कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस के, इसी तरह नेगोशिएशन के भी पांच स्टेजेस होती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बारगेनिंग। ये दूसरा क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ चुका है पेपर में। देन वी हैव स्किल्स ऑफ इफेक्टिव निगोशिएटर। इफेक्टिव निगोशिएटर के की स्किल्स क्या होते हैं? इट्स अ ह्यूज लिस्ट, लंबी लिस्ट है। 12 स्किल्स डिस्कस किए जा रहे हैं। दो तीन दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। और फिर हम बात करेंगे हाई रिस्क एंड लो रिस्क टेक्निक्स ऑफ निगोशिएशन। चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नेगोशिएशन की डेफिनेशन और नेगोशिएशन का प्रोसेस, दूसरा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव इंटीग्रेटिव बारगेनिंग, तीसरा क्वेश्चन स्किल्स ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएटर, चौथा क्वेश्चन हाई रिस्क एंड लो रिस्क टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन दो किस्म की होती हैं। हाई रिस्क टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें नेगोशिएशन के फेल होने का चांस ज़्यादा होता है, और अगर नेगोशिएशन कामयाब हो जाए तो आपकी बात ज़्यादा मानी जाती है। और लो रिस्क टेक्निक के अंदर आप चाहते हैं कि आप फेलियर को ना इनकाउंटर करें, नेगोशिएशन फेल ना हो, तो फिर आप लो रिस्क पे खेल दें। ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और पांचवा क्वेश्चन है रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन नेगोशिएशन प्रोसेस। थर्ड पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन में? चार किस्म की थर्ड पार्टीज के रोल प्ले किए जाते हैं। मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कंसीलिएटर एंड कंसल्टेंट, चार रोल्स होते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी विल बी कंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। यहाँ पे हम नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो वाइंड अप करेंगे। ओके, सो नेगोशिएशन को हम डिफाइन करते हैं दैट इट्स अ प्रोसेस इन विच देर आर एटलीस्ट टू पार्टीज इन्वॉल्व। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और हर पार्टी जो है वो दूसरे की इन्वॉल्वमेंट चाहती है सो दैट अ डिजायर्ड आउटकम कैन बी अचीव्ड। दोनों पार्टीज में से हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट का होता है। दैट कैन बी मनी, दैट कैन बी एनीथिंग। तभी निगोशिएट कर रहे होते हैं ना, बिकॉज इंटरडिपेंडेंसी हाई होती है, बिकॉज बोथ पार्टीज हैव समथिंग विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू द अदर पार्टी। तो चूंकि इंटरडिपेंडेंसी हाई होती है तो इसीलिए निगोशिएशन प्रोसेस के अंदर फिर वो पार्टीज जो हैं वो एक म्यूचुअली डिजायर्ड आउटकम को रीच करने की कोशिश करती हैं। तो जब निगोशिएशन स्टार्ट होती है तो दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करती हैं। दे बोथ हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दे स्टार्ट विद देयर ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और फिर हर पार्टी जो है वो कंसिडरेशन देती है दूसरी पार्टी को कि वो अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करे और अपनी इनिशियल पोजीशन से एक कदम आगे बढ़े। और जब दोनों पार्टीज आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करती हैं तो फिर अल्टीमेटली आप एक डिज़ायर्ड आउटकम पे, एक सक्सेसफुल आउटकम पे पहुंच जाते हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी वो बारगेनिंग की, कि बारगेनिंग में ए और बी दो इन्वॉल्व हैं। ए कस्टमर है, बी सप्लायर है, शॉपकीपर है। कस्टमर 50 रुपीज़ ऑफ़र कर रहा है, शॉपकीपर 100 रुपीज़ डिमांड कर रहा है। अब दोनों अपनी अपनी इनिशियल पोजीशन से हटती हैं, हिलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करती हैं। वो 50 से 60 पे आएगा, 60 से 65 पे आएगा, वो 100 से 90 पे आएगा, फिर 80 पे आएगा। और करते 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 जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं सो दे माइट बी एबल टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज एंड अ सक्सेसफुल आउटकम कैन बी अचीव्ड। एक सक्सेसफुल आउटकम को अचीव करने के काबिल हो जाते हैं जो ही आप अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन नेगोशिएशन। जिस तरह हमने कल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के प्रोसेस की पांच स्टेजेस पढ़ी थी, मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट है, मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट है। और पांच स्टेजेस हैं नेगोशिएशन प्रोसेस की। क्वेश्चन अलग अलग आता है, क्वेश्चन अलग अलग अपेयर होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन जो है पेपर में वो आया था ये मार्च 18 में, उससे पहले आया था मार्च 15 में, और नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है ये आया था मार्च 17 में, मार्च 2017 में, उससे पहले ये आया था सितंबर 15 में, मार्च 15 में। इसी तो क्वेश्चन अलग अलग ही आता है।
स्टेजेस ओवरलैपिंग है, कॉन्सेप्चुअली ओवरलैप करता है, कॉन्सेप्ट ओवरलैप करता है, लेकिन जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट डज ओवरलैप बट द स्टेजेस आर डिफरेंट। उधर हमने बात की थी पहली स्टेज में सेट द सीन, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्लानिंग की। किसी भी निगोसिएशन प्रोसेस में दाखिल होने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्सेप्ट वही है सेट द सीन में, आपने समझना है दूसरे का इशू क्या है, परसेप्शंस क्या हैं पार्टीज की। आउटकम ऑफ निगोसिएशन प्रोसेस जो है उसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यू सेट द लिमिट्स, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फेवरेबल एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल इन अ प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, ये वो जो हमारी अभी बारगेनिंग वाली एग्जाम्पल थी, अ शॉपकीपर इज़ आस्किंग 100 रुपीज़ फॉर अ प्रोडक्ट, लेकिन शॉपकीपर के माइंड में कहीं ना कहीं कट ऑफ लाइन होती है ना कि 100 डिमांड करूंगा तो कम अज़ कम फॉर एग्जाम्पल 80 पे 70 पे जहाँ पर भी उसने कट ऑफ लाइन ड्रॉ की हुई है तो दैट इज़ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल, और मोस्ट फेवरेबल क्या है 100 रुपीज़ जो वो डिमांड कर रहा है। तो किसी भी निगोसिएशन प्रोसेस में ये निगोसिएशन लेवल्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट हो कि आपने क्या डिमांड करना है या कितने में वो चीज़ आपने मिनिमम जो है वो सेल कर देनी है। तो ये तैयारी घर से करके जानी पड़ती है। बिफोर यू एंटर इनटू अ निगोसिएशन प्रोसेस यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर कंडक्टिंग द निगोसिएशन। ये स्ट्रेटजी अगर आपने तैयार की होगी तो यू वुड बी डोमिनेटिंग द निगोसिएशन प्रोसेस, लेकिन अगर आप बगैर तैयारी के जाएंगे तो यू माइट नॉट बी डोमिनेटिंग द निगोसिएशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आप शायद डोमिनेट करें निगोसिएशन प्रोसेस। सेकेंड स्टेप में फिर आप ग्राउंड रूल्स को सेट करते हैं। ग्राउंड रूल्स मतलब हर निगोसिएशन प्रोसेस स्पेशली जो फॉर्मल निगोसिएशन होती हैं उनमें कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स के निगोसिएशन कैसे कंडक्ट होनी है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, उनके नाम क्या होंगे, वेन्यू क्या होगा, टाइम लिमिट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो यू हैव डिफरेंट सेट्स। ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अब ग्राउंड रूल्स सेट करते हैं। ग्राउंड रूल्स जो होते हैं आपके, ये पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, वेन्यू क्या है, टाइम लिमिट्स क्या हैं, आपका जो निगोसिएशन प्रोसेस है उसे आप कैसे और कहाँ कंडक्ट करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपके ग्राउंड रूल्स में आ जाती हैं। जैसे हमने वहाँ बात की थी कि बेसिक ग्राउंड रूल्स सेट करते हैं बिफोर यू एंटर इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो कॉन्सेप्चुअली दोनों प्रोसेस सेम है, बोथ प्रोसेस आर कॉन्सेप्चुअली सेम, दोनों प्रोसेसेस जो हैं दे आर कंसेप्चुअली सेम। फिर उसके बाद आप तीसरी स्टेज पे आते हैं, द थर्ड स्टेज इज क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन में फिर दोनों पार्टीज जो हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करती हैं, बोथ पार्टीज प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, हर पार्टी एक अपनी अपने एंड पे एक्सप्लेन करती है, क्लेरिफाई करती है और जस्टिफाई करती है कि क्यों उसकी बात मानी जानी चाहिए। अगेन द सेम बारगेनिंग सिचुएशन, शॉपकीपर जब आपसे 100 रुपीज़ डिमांड कर रहा है एक प्रोडक्ट के, तो आपने नोट किया होगा ना वो उसकी क्वालिटीज़ बयान करता है, वो कहता है जी इस जैसी चीज़ आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। आप जब 50 रुपीज़ ऑफर कर रहे हैं तो आप अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं तो और जगह से भी ले सकता हूँ, इसकी क्वालिटी में ये इशूज़ हैं। तो हर पार्टी को अपने अपने एंड पे जस्टिफाई करना पड़ता है कि वट एवर हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एक्सेप्टेड बाई द अदर पार्टी। तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है ये फिर आपको फोकस्ड रखता है इंपॉर्टेंस ऑफ इशू के ऊपर एंड रैशनल कहते हैं लॉजिक जस्टिफिकेशन फॉर फेयरनेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। मैं क्यों मान लूँ कि आप 100 रुपया जो डिमांड कर रहे हैं वो वाकई सही कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन तभी आएगा ना जब आप मुझे जस्टिफाई करेंगे। किसी की बात मानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें जस्टिफिकेशन तलाश करनी होती है कि इस बात में जस्टिफिकेशन क्या है, व्हाई इज द पर्सन इज डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, या उसकी उसकी उस बात में क्यों जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो क्लेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देते हैं आप। फिर चौथी स्टेज में जब आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लेरिफाई कर लेते हैं, अपना अपना आइडिया प्रेजेंट कर देते हैं, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और बारगेनिंग पे आ जाते हैं। नाउ यू ट्राई टू मेक कंसेशन एंड यील्ड फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन। अब आप रियायत देना शुरू करते हैं। रिमेंबर, जब तक क्लेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी, बारगेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आपने अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया तो अगला बंदा ज़्यादा थॉट देगा, ज़्यादा सोचेगा कि नहीं यार सही कह रहा है।
तो वो शायद ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा रियायत दे, ज़्यादा कंसेशन दे दे और आपकी बात मान जाए। ठीक है, तो पार्टीज देन मेक कंसेशन फ्रॉम देयर इनिशियल पोजिशन टू रीच कंसेंसस एंड टू मूव टूवर्ड्स अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। फिर पार्टीज जो है वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट को अचीव करने की कोशिश करती हैं। दे ट्राई टू अचीव म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट एंड देन वी हैव क्लोजर एंड एग्रीमेंट। फिर जब निगोशिएशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, आपने एक फाइनल सोल्यूशन निकाल लिया है, यू हैव रीच द फाइनल सोल्यूशन, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एक कंसेंसस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्रॉ करते हैं, कहीं पे लिखना है, कहीं पे साइन लेने हैं, ताकि कल को आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग के दौरान आपको हेल्प हो कि आप ये देखेंगे क्या दोनों पार्टीज अपना अपना एंड ऑफ बार्गेन रख रही हैं। आर द बोथ पार्टीज कीपिंग देयर एंड? तो अगर तो वो अपना अपना एंड मेंटेन करेंगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि मतलब वो जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा। बट इफ़ दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव एंड्स, तो दैट वुड डेफिनेटली लीड टू अ डिज़ास्टर। ठीक है ना, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव एंड को मेंटेन करने के लिए फिर ये जो एक एग्रीमेंट होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट और एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, और उसके अंदर आपका जो प्रोसेस है वो फिर आप उसमें हाईलाइट कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें हमने क्या क्या कंडीशंस रखनी है। वो कंडीशंस वेरी कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ नेगोशिएशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके उनके लेवल ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, दैट दे मे वेरी। ठीक है, सो दीज आर फाइव बेसिक स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन: प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, डिफाइनिंग ग्राउंड रूल्स, क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड क्लोजर एंड एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है। हाँ, ये देखें, आपको एक बड़ा मज़े का डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे, बल्कि आप थोड़ा सा डर भी जाएं, आपको थोड़ा सा नाइटमेयर भी दिखाता हूँ। दिस इज़ योर फाइनल्स बुक, ये आपकी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल्स की किताब है, सिर्फ 569 पेजेस की, CFAP BMS, सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं इसमें, ओनली 20 चैप्टर्स। ठीक है, सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 550 सफ़ों की किताब है। और इस किताब के अंदर सेकेंड चैप्टर में एक टॉपिक है WTO का। WTO जो है ये 123 ममालिक की, 123 कंट्रीज की एक सिग्नेटरी बॉडी है। ओके, हेयर WTO एक सिग्नेटरी बॉडी है 123 कंट्रीज की, जो 1947 में बनी थी GATT के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। फिर इन 123 ममालिक की निगोसिएशंस हुई और 1994 में WTO बनी, यूरोगॉय राउंड हुआ था इसका। यूरोगॉय राउंड जो है ये 1986 में शुरू हुआ था और 1994 में ख़त्म हुआ था। नाउ दीज वर निगोसिएशंस, ये देख रहे हैं, यूरोगॉय राउंड ऑफ डिस्कशन बिगेन इन 1986 एंड एग्रीमेंट वाज इवेंचुअली रीच्ड ऑन मेजर्स इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO इन 1994। तो 8 साल तक निगोसिएशंस चली थी, 8 ईयर्स तक। दोहा राउंड शुरू हुआ था 2001 में एंड सो फार द टॉक्स हैव फेल्ड टू मेक एनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो क्लोजर नहीं हुआ अभी तक, ये आपकी दोनों बातों का जवाब आ गया बेटा। तो काफ़ी टाइम तक चलती है निगोसिएशंस, डिपेंड करता है निगोसिएशंस जो हैं उनसे आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। और यह भी पॉसिबल है कि कोई निगोसिएशन कभी क्लोजर को पहुंचे ही ना, ये भी मुमकिन है कि कोई निगोसिएशन जो है वो कभी क्लोजर को ना पहुंचे और दरमियान में ही कहीं रुक जाए। ऑलराइट, बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप में से फिर कुछ लोगों को मैं देखूंगा फाइनल्स की क्लासेस में अगले साल। हाँ, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड निगोसिएशंस। ठीक है ना, ये भी एक फेल्ड निगोसिएशन की एग्जाम्पल है। ओके, कल हमने वो जो एक बार्गेनिंग लाइन ड्रॉ की थी, वो जो हमने कल एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, याद होगा आपको, वो मैंने फाइल गलती से बंद कर दी है। कल हमने एक बार्गेनिंग लाइन ड्रॉ की थी ना, जिसके ऊपर हमने देखा था कि इंटीग्रेटिव और जो अपना
कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन जैसे हमने कहा था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग जो होती है वो उस कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग जो होती है वो उस कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग वो पी जोन होता है, जो हमने कल पी जोन देखा था वो पी जोन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग में बड़े क्लियर डिफरेंसेज मौजूद हैं, जिसको हम एक टेबल की शक्ल में डिस्कस कर सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग जो है दे डिफरेंशिएट ऑन फ्यू ग्राउंड्स, छः छः ग्राउंड में पी जोन में एनी सोल्यूशन दैट फॉल्स बियॉन्ड द कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन, और उसे प्रोबेबिलिटी जोन कहते हैं ना, कि मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी कि 50 और 100 के दरमियान बारगेन करने से बेहतर है कि आप एक ऐसा सोल्यूशन निकाल लें जिसमें आप दोनों पार्टीज का बेनिफिट ढूंढ लें, ठीक है। उसके मतलब ऐसे नाम दिया है, उसको पी जोन कहते हैं, नाम है उसका। इधर है डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग, इधर है इंटीग्रेटिव बारगेनिंग, और ये डिफरेंशिएट करती हैं गोल्स की बेस पे, मोटिवेशन की बेस पे, फोकस की बेस पे, इंटरेस्ट की बेस पे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बेस पे, और ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप की बेस पे। सो देर आर सिक्स डिफरेंसेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बारगेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग के अंदर जो गोल होता है वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ एडवांटेज। हर बंदा जो है वो अपना जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है, जबकि इंटीग्रेटिव बारगेनिंग के अंदर जो गोल होता है दैट इज म्यूचुअल एडवांटेज। आप चाहते हैं कि दोनों पार्टीज या तीनों पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो सारी की सारी अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। वो सारे के सारे जो हैं वो अपने अपने गोल को मैक्सिमाइज करें। तो पहला जो डिफरेंस है वो गोल्स की बेस पे है। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग के अंदर ईच पार्टी स्ट्राइव टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एडवांटेज फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, जबकि इंटीग्रेटिव बारगेनिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप स्कोप और साइज एक्सपेंड कर देते हैं बेनिफिट्स का, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज देम टू म्यूचुअल एडवांटेज। आप स्कोप ऑफ बेनिफिट्स को एक्सपेंड कर देते हैं ताकि दोनों पार्टीज उससे फायदा उठा सके, ना कि कोई एक पार्टी उससे बेनिफिट ले। तो यू एक्सपेंड द स्कोप एंड साइज ऑफ द बेनिफिट सो दैट ऑल द पार्टीज कैन एंजॉय इक्वल बेनिफिट। दूसरा डिफरेंस है मोटिवेशन का। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग के अंदर मोटिवेशन जो है वो विन लूज की होती है। यू वॉन्ट टू विन ऑन द एक्सपेंस ऑफ द अदर। जैसे अगेन वही बारगेनिंग की एग्जाम्पल लें 50-100 की, तो आप जितना 50 के करीब खींचेंगे आप दूसरा हारेगा आप जीतेंगे, शॉपकीपर जितना 100 के करीब खींचेगा वो जीतेगा आप हारेंगे, तो विन लूज सिचुएशन पैदा होती है। जबकि इंटीग्रेटिव बारगेनिंग में हम विन विन पे जाते हैं, वी मूव टूवर्ड्स विन विन सिचुएशन। डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग में एक का लॉस जो है वो दूसरे उसकी बेस पे विन करता है। द मोटिवेशन फॉर ईच पार्टी इज टू अडॉप्ट अ विन लूज पोजिशन इन विच गेन ऑफ वन पार्टी इज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। आपका गेन दूसरे के एक्सपेंस पे आ रहा है। बट इन इंटीग्रेटिव बारगेनिंग अप्रोच ऑफ मोटिवेशन इज दैट बोथ पार्टीज शुड इमर्ज एज विनर्स इन अ विन विन सिचुएशन। दोनों पार्टीज विन विन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। जैसे कल वाली एग्जांपल में हमने कहा था कि शॉपकीपर कस्टमर को ऑफर दे दे कि ठीक है 50 रुपये का बेचता हूँ, फिर 20-30 यूनिट्स इकट्ठे परचेज कर लो। अब उसने बेनिफिट का स्कोप बढ़ा दिया, उसको फ़ायदा मिल गया कि उसके रेवेन्यूज आ जाएंगे, कस्टमर को फ़ायदा मिल गया उसको अपनी कीमत पे, अपनी कोटेड अपनी ऑफर्ड प्राइस पे गुड्स मिल जाएंगे। सो विन विन पैदा हो गया, ठीक है। दैट इज हाउ अ विन विन इज अचीव्ड, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग में आपका जो फोकस होता है वो होता है योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिक किए होते हैं। जबकि इंटीग्रेटिव बारगेनिंग में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग में आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे दूसरे को लेके आना होता है। यू हैव टू ब्रिंग द अदर पर्सन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने दूसरे बंदे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आना होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग में चूंकि आपने म्यूचुअल एडवांटेज को फोकस करना होता है, यू हैव टू फोकस ऑन म्यूचुअल एडवांटेज,
तो उस वक्त जो है आप फिर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस कर रहे होते हैं, यू आर फोकसिंग ऑन अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग फोकस इज टू एज्यूम पर्टिकुलर पोजिशन एंड देन स्टिक टू दिस पोजिशन टू ऑब्टेन द ओपोनेंट्स एग्रीमेंट टू अ स्पेसिफिक टारगेट एज क्लोज एज इट पॉसिबल. जितनी जितना हो सके आप उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं. जबकि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में आप क्या करते हैं, आपका फोकस होता है टू अंडरस्टैंड द ओपोनेंट्स पोजिशन. आप ओपोनेंट की पोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओपोनेंट्स पोजिशन. ठीक, आप ओपोनेंट की पोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर आपका जो इंटरेस्ट जो होते हैं पार्टीज के, वो ऑपोजिट होते हैं. दे हैव ऑपोजिट इंटरेस्ट, क्योंकि विन ऑफ वन इज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, तो ये ऑपोजिट है. जबकि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में आपके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं, इंटीग्रेटेड और कन्वर्जेंट इंटरेस्ट होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में ऑपोजिट इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टीज आर ऑपोजिट. वेर एज इन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग देर आर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कन्वर्जेंट होते हैं ताकि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पोजिशन को रीच किया जा सके. तो योर इंटरेस्ट आर कन्वर्जिंग. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में पार्टीज जो हैं वो विद होल्ड करती हैं इंफॉर्मेशन को, दे विद होल्ड इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑन द अदर. पार्टीज क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को विद होल्ड करती हैं, रोक के रखती हैं ताकि दूसरी पार्टी को मैन्यूवर कर सके, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट एडवांटेज हासिल कर सके. जबकि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर पार्टीज ओपनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती हैं ताकि एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके. तो यहाँ पे विद होल्ड करते हैं, यहाँ पे ओपन शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की. ये की पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखेंगे, बट अगर पेपर में सवाल आते हैं तो सिर्फ टेबल नहीं प्रोड्यूस करना है, आपने नरेट करना है. ठीक है, नरेशन इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये टेबल से आप कम अज़ कम की पॉइंट्स को याद रख सकते हैं कि कौन से पॉइंट में क्या डिस्कस किया जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर जो रिलेशनशिप ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म. और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में जो रिलेशनशिप ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में यू आर नॉट विलिंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द ओपोनेंट. तो आप अब बस अपना फ़ायदा सोच के, अपना अपना जो आउटकम है वो मैक्सिमाइज करके आप निगोसिएशन को क्लोज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर चूंकि आपका लॉन्ग टर्म फोकस है, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे फिर आप म्यूचुअल इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स को डेवलप करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस, दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स इसके बेस के ऊपर. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज शॉर्ट टर्म, वेयर एज इन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज इज ऑफ लॉन्ग टर्म करेक्टर. क्वाइट सिंपल, आसान. छह पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, गोल्स, मोटिवेशन, फोकस, इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप. और इसकी बेस के ऊपर आपने डिफरेंशिएट करना है डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग को. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को अगर हम कंपेयर करें तो जब हमने कल बात की थी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, तो व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज, जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग पर जाते हैं, और जब आप कलेबोरेट करते हैं तो आप इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग पर जाते हैं. वो जो हमने कल डिस्कस किया था ना कॉम्प्रोमाइजिंग और कलेबोरेशन का, तो व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज यू गो विद डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, एंड व्हेन यू कलेबोरेट यू गो फिर इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन, दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, तीसरा क्वेश्चन है स्किल्स ऑफ इफेक्टिव निगोशिएटर. इफेक्टिव निगोशिएटर के स्किल्स क्या होते हैं? इफ यू वॉन्ट टू बी एन इफेक्टिव निगोशिएटर व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स यू शुड हैव, आपके पास क्या स्किल्स होने चाहिए? इफेक्टिव निगोशिएटर कुछ की स्किल्स कैरी करता है, कुछ दो चार आप पढ़ लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. कल उम्मीद है हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, काबिल हो जाएंगे. कल प्रॉबेबली हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह कंक्लूड कर लेंगे, इन केस नॉट टुमारो, फ्राइडे को तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह. तो इस वीक में हम अपना कोर्स रैप अप कर देंगे, एंड सम ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास लाइक अलील, आरिफ, सदफ, सना, अनीसा आजकल नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई, कुछ लोग ऑन एंड ऑफ आते हैं जैसे माजिद है, बट यू पीपल हैव बीन क्वाइट रेगुलर एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर एज सुन एज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द कोर्स, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिवीजन। हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे उसमें फिर इंशाल्लाह साथ साथ सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और कोई आपकी अगर कोई को, को, कोई अगर आपकी एम्बिगुटीज़ हैं, कोई अगर आपको उसमें क्लैरिटीज रिक्वायर्ड हैं, तो वो भी हम साथ साथ फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो स्किल्स ऑफ इफेक्टिव निगोशिएटर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कैसे निगोशिएशन को अच्छा बनाते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस, एक अच्छा निगोशिएटर जो है वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, सो दैट ही कैन नो द इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टेक होल्डर इन निगोशिएशन। जब तक आपको दूसरे के इंटरेस्ट का नहीं पता होगा, आप उसके वीक एरियाज को नहीं डिटर्मिन कर सकते। सो इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव निगोशिएटर, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इशूज, हु आर द इंटरेस्टेड पार्टीज, एंड वट आर द गोल्स, आउटकम्स और गोल्स क्या है इंटरेस्टेड पार्टीज। तो प्रॉब्लम एनालिसिस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है। बिफोर यू एंटर इन टू अ निगोशिएशन प्रोसेस, यू हैव टू डू योर होमवर्क। इफेक्टिव निगोशिएटर जो है वो सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है, एक्टिव लिसनिंग करता है, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी उसकी अच्छी होती है। एक्टिव निगोशिएटर जो है एक्टिव लिसनिंग से आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन कौन से कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, व्हाट आर द की एरियाज जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है। और मोस्ट इफेक्टिव निगोशिएटर विल स्पेंड मोर टाइम लिसनिंग रादर देन टॉकिंग। ठीक, ही विल लिसन मोर एंड स्पीक लेस। ठीक है, he will listen more and speak less. तीसरा जो उसके लिए इस्तेमाल करता है वो उसकी वर्बल कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव लिसनिंग के साथ साथ आपकी वर्बल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। वर्बल स्किल जो होते हैं दे अलाउ यू टू मेक योर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर टू अदर्स। ठीक, जितनी आपकी वर्बल स्किल अच्छी होगी उतनी जल्दी आप अपनी बात किसी को समझा सकते हैं। क्लियर स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने में हेल्प करती हैं। जितना आप वर्बली स्ट्रांग होंगे उतनी जल्दी आप अपनी बात किसी को बता पाएंगे, और उतनी जल्दी आपकी बात किसी को समझ आएगी, और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी अवॉइड होंगी। तो निगोशिएटर जो है ही मस्ट स्टेट देयर रीजनिंग एज वेल एज देयर डिजायर्ड आउटकम, and that is only possible if you are good at verbal communication. Very simple. So your verbal communication is very important because it allows the negotiator to clearly establish or clearly explain his or her point of view. So ye ek important point hai. Fir iske baad problem solving. Effective negotiator must be very good at problem solving. He must be able to visualize solutions to the problem. Hamesha do kadam aage soche. अभी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है और साथ ही सोल्यूशन को विजुलाइज कर ले। अभी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है और फौरन वो सोल्यूशन को जहन में ले आए, रादर देन फोकसिंग प्योरली ऑन द अल्टीमेट गोल विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अचीव इट। प्रोसेस फोकस भी हो, सिर्फ गोल को ना जहन में रखे, प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए गोल्स की तरफ जो प्रोसेस है उसको अचीव करें। इसके लिए फिर स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फिर आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस एरिया में जिसमें आप निगोशिएट कर रहे हैं। इन द एरिया इन विच यू आर निगोशिएटिंग उसमें फिर आपके पास जो स्किल्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दो स्किल्स मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। तो इफेक्टिव जो निगोशिएटर्स होते हैं दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाई हैविंग सोल्यूशन एंड विजुअलाइजिंग द सोल्यूशन इन माइंड। ये सोल्यूशंस को विजुअलाइज करते हैं माइंड में, और उन सोल्यूशंस को विजुअलाइज करते हुए ये फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, बिहेवियोरल स्किल्स, गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स, अपार्ट फ्रॉम द इशू के वो किस हद तक निगोसिएशन सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही, बट योर वर्किंग रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, और ये करने के लिए पेशेंस रिक्वायर होता है।
परसुएड करना विदाउट मैनिपुलेटिंग पीपल, मैनिपुलेट करना नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है। मैनिपुलेट करने का मतलब है किसी को धोखा देते हुए उसे बात मनवाना या नाजायज़ फ़ायदा उठाना, इसे मैनिपुलेट करना कहते हैं। अ गुड निगोशिएटर नेवर मैनिपुलेट, अ गुड निगोशिएटर नेवर मैनिपुलेट। अच्छा निगोशिएटर जो है वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं करता, ही ऑलवेज ट्राई टू डेवलप अ पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप। क्योंकि जितना आपका वर्किंग रिलेशन पॉजिटिव होता है उतनी जल्दी लोग आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं, और जितना आपका वर्किंग रिलेशनशिप नेगेटिव होता है उतनी जल्दी लोग आपको अवॉइड करते हैं। देखो होता है ना कि पहले ही आप माइंडसेट बना लेते हैं यार ये बंदा तो बकवास ही करेगा, ठीक है ना, इसकी बात सुनने का फ़ायदा ही कोई नहीं। हो सकता है उसने कोई काम की बात करनी हो, बट यू विल ऑलवेज हैव अ माइंडसेट कि ये बंदा अगर बोलेगा तो फजूल ही बोलेगा। तो वर्किंग रिलेशनशिप एटलीस्ट आपके एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, लोग आपकी बात को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इफेक्टिव निगोशिएटर प्रिपरेशन तैयारी करके जाते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं निगोशिएशन के, उनको मतलब ये काफ़ी ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे वर्ड है प्रिपरेशन का, ऊपर हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम एनालिसिस, तो ये मोर लेस सेम ही चीज़ है। प्रॉब्लम एनालिसिस भी आप प्रिपरेशन के दौरान ही करेंगे ना, तो ये कुछ ओवरलैपिंग पॉइंट्स भी हैं। इफ़ यू हैव टू एनालाइज अ प्रॉब्लम यू हैव टू डू इट ड्यूरिंग प्रॉब्लम एनालिसिस, अगर आपने प्रॉब्लम एनालिसिस करनी है सॉरी आप उसे प्रिपरेशन के दौरान करेंगे, तो ये कुछ ओवरलैपिंग है। बाकी इसको हम इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे, वी कैन कंटिन्यू इट टुमारो। डेडलॉक पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आई गेस आया हुआ है अभी तक सो फार। ये चूंकि स्किल्स का हिस्सा ही है तो यहाँ पे कहीं डेडलॉक पे सवाल भी, इन तीनों में से कोई एक आधा क्वेश्चन डेडलॉक का भी है, वो हम डिस्कस करेंगे जब पास पेपर से जाएंगे। तो ये मैं इंशाल्लाह बस अब और दो चार दिन में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको लिस्ट भी मुहैया कर दूंगा इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज, एंड दैट लिस्ट भी विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू रिवाइज द सब्जेक्ट एंड टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट की जो रिविजन्स हैं और जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आई विल ट्राई कि मैं आपको एक क्विक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ। Got it? और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, कोई और कंसर्न, कोई और क्वेरी, एनी जनरल डिस्कशन यू वांट टू हैव, आई एम ऑल इयर्स। तैयारी हो रही है, अच्छी हो रही है, तैयारी कैसी हो रही है? जी बिल्कुल होंगी रिवीजन क्लासेस, सैटरडे से रिवीजन होंगे इंशाल्लाह। क्या क्या पढ़े हाँ दैट्स, तैयारी करें इंशाल्लाह, अच्छी हो जाएगी तैयारी, डोंट वरी, बस प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, हो जाएगी इंशाल्लाह। बेटा आपने डिसीजन लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आने का? जी जी मंडे से ही करेंगे इंशाल्लाह, मंडे से कर लेंगे, सैटरडे को पार्टी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, मंडे से रिवीजन करेंगे। ठीक, आप लोगों ने डिसीजन लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आने का, उस दिन आपने ये अपने साथ वादा किया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, आपने वादा किया था कि मुझे चैलेंजेस पसंद हैं, आपने वादा किया था अपने आप से कि मुझे ख्वार होने का शौक है। तो ये सारे प्रॉमिस करने के बाद आप लोग आए थे ना सीए में, तो व्हेन यू हैव प्रॉमिस्ड ईच ऑफ दिस थिंग विद यू देन यू कांट कंप्लेन। मैंने जिंदगी जी ली है तो एंड इसका पे ऑफ बहुत अच्छा है, इट इज गोइंग टू पे यू ऑफ, ठीक है, इसका पे ऑफ बहुत अच्छा है। तो डोंट वरी, थोड़ी सी हार्डशिप्स हैं, सफर कर लें, बियर कर लें, होपफुली इंशाल्लाह बेहतर ही होगा।
हाँ बेटा, अब अगर इसको नेगेटिव सोचेंगे ना तो थॉट्स भी नेगेटिव ही रहेंगे, तो डोंट डोंट नाउ थिंक के बस जी फंस गए हैं, अब सोचें निकल। देखें अब क्वेश्चन ये नहीं है कि फंस गए हैं, एक एक बंदा है ना जा रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक खाई में गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता और दूर दूर तक कोई नहीं होता। अब वो सर पकड़ के बैठा रहे, मैं गिरा क्यों, मैं गिरा क्यों, क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन ये है मैं निकलूं कैसे तो अब क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया, मैं फंसा गई हूँ, मैं फंसा गई हूँ, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्वेश्चन है यहाँ से निकलना कैसे। ठीक है, आगे सीए में क्वेश्चन चेंज हो गया, तो नाउ द क्वेश्चन शुड बी हाउ टू पास, हाउ टू मूव अहेड, हाउ टू क्लियर माई कैफ। अगर यही सर पकड़ के बैठेंगे रहेंगे ना कि मैं फंसा गई हूँ, मैं फंसा गई हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 1.25 महीना आपको कम से कम दिन में 12 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ना है, 10 से 12 घंटे इन 15, ये तकरीबन 1.25 महीने में पढ़ेंगे तो फिर कामयाब होंगे। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहें और डोंट वरी, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। आईटी में है साइबरनेटिक सिस्टम, चलो बता देते हैं। साइबरनेटिक सिस्टम जो होते हैं दे आर सेल्फ मैनेज्ड सिस्टम्स, जैसे ह्यूमन इंटरेक्शंस होती है ना, आप जब बारगेन कर रहे होते हैं किसी शॉपकीपर के साथ तो दैट्स अ साइबरनेटिक सिस्टम, कुछ भी आउटकम निकल सकता है ना, आप परचेज करें ना करें, किस प्राइस पे वो आपके साथ फाइनल डिसीजन लेता है, इस ऐसी सिचुएशन को जिसको हम कंप्यूटराइज नहीं कर सकते, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं साइबरनेटिक सिस्टम, अ सिस्टम दैट कैन लीस्ट लाइकली टू बी कंप्यूटराइज। जैसे ह्यूमन बार्गेनिंग या ह्यूमन निगोसिएशंस होती हैं, साइबरनेटिक सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम के अंदर है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक, तो कंट्रोल सिस्टम 3 किस्म के होते हैं, द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग, अडॉप्ट अडेप्ट टू एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल लाइक ट्रेड यूनियन निगोसिएशन हैं, बार्गेनिंग सिचुएशन हैं, दीज सिस्टम्स आर लीस्ट लाइकली टू बी कंप्यूटराइज, इन्हें हम कंप्यूटराइज नहीं कर सकते, रिलाय हैविली ऑन इंटरेक्शन फ्रॉम पीपल, लोगों की इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज अ बार्गेनिंग सिचुएशन बिटवीन 2 पीपल, दैट्स अ साइबरनेटिक सिस्टम। ठीक है, चलें, गुड लक, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।